दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डबल आईसी 4440 जो है एम्पलीफायर बोर्ड है, जो कि आज मैं इसका वायरिंग करके आप लोगों को बकायदा दिखाऊंगा और इसका टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों 4440 डीवीडी, पहले ये डीवीडी बोर्ड लगता था और दोस्तों इसको इसमें हम वायरिंग करेंगे और पूरा जो है टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद इसमें क्या क्या लगाएंगे ये हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये इसको हम पोटेंशियल मीटर बोलते हैं, जो B100 के है, जो कि तीन पीस लगाएंगे, जो एक वॉल्यूम के लिए और जो है दो बास टेबल के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से, और इसमें हम वायर लगाएंगे, ये जो है बास टेबल पे लगाएंगे और दोस्तों ये हम स्पीकर पे लगाएंगे। इसी तरीके से ये RL लेफ्ट राइट के लिए है और दोस्तों ये 5 वोल्ट के लिए है इस तरीके से, और लगाएंगे दोस्तों। और मैं इसमें जो है बड़ी बिग डिस्प्ले का कार्ड इसको यूज करूंगा, इसमें इसको लगाना आप बताऊंगा और इसको चलाकर दिखाऊंगा दोस्तों। और इसमें दो स्पीकर लगा के दिखाएंगे दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये 4 इंची का 2 स्पीकर है, इसको चलाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, अब कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन करके आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों पहले हम बोर्ड में कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें हम कनेक्शन करेंगे। पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जो कि आप लोग को दिखे। अब दोस्तों क्या है? इस तरीके से हमें कनेक्शन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है ट्रेबल का ग्राउंड है, ऑडियो है, इस तरीके से हमें कनेक्शन कर लेना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ट्रेबल का कनेक्शन और बास टेबल का कनेक्शन मैंने कर लिया है। अब दूसरा चैनल के लिए कनेक्शन कर लेते हैं, जो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आसानी से। और दोस्तों अगर आप 4440 बोर्ड मंगवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जो है परचेज कर सकते हैं जाकर। तो दोस्तों ये अब हमारा वॉल्यूम का जो वायर है, अब वॉल्यूम का हम कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ऑडियो हो गया, ये हमारा सेकंड ऑडियो हो गया, और ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ये भी ऑडियो हो गया, और ये हमारा सेकंड ऑडियो हो गया। दोस्तों आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, बहुत आसानी से मैं आप लोग को बताने की कोशिश किया हूँ, जो कि आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। अब हम करेंगे कनेक्शन इसमें दोस्तों, ये पोटेंशियल मीटर में। देखिए दोस्तों, अब हम ट्रेबल पे कनेक्शन कर रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये पहले वायर है ग्राउंड, और दूसरा हमारा ऑडियो है, और तीसरा हमारा सेकंड ऑडियो है, ये हमारा जो है हमारा हो गया ट्रेबल का। अब इस तरीके से हम बास का कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम कनेक्शन कर लेंगे आसानी से। और दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अब दोस्तों अभी ये भी हम इसमें ट्रेबल का कनेक्शन करते हैं, सेकंड ऑडियो का। पहले ग्राउंड हो गया, दूसरा हमारा ऑडियो हो गया, तीसरा हमारा सेकंड ऑडियो हो गया। अब इस तरीके से दोस्तों अब हम जो है बास का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों एकदम आसानी से आप लोग को हम बता रहे हैं, जो कि आप लोग को सीखने में आसान रहेगा। आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं एम्पलीफायर इस तरीके से। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, एकदम सीधा सीधा हम आप लोग को बताए हैं, और एकदम सीधा सीधा आप लोग कनेक्शन इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एकदम क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा। अब दोस्तों हम ये वॉल्यूम का कनेक्शन करेंगे। अब दोस्तों इसमें सीधा सीधा कनेक्शन है, जो कि हमारा एक चैनल का ये है और एक चैनल का ये है। तो दोस्तों अब हम इसको कर लेते हैं कनेक्शन। पहला हमारा ग्राउंड हो गया, दूसरा फर्स्ट ऑडियो हो गया, ये तीसरा सेकंड ऑडियो हो गया दोस्तों,
और दोस्तों ये हरा वाला हमारा इस तरफ ग्राउंड हो गया और ये भी हमारा ऑडियो हो गया और ये हमारा सेकंड ऑडियो हो गया। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये तीन वायर जो लगा है, एक हमारा सेकंड ऑडियो है, ये जो है फर्स्ट ऑडियो है, एक ग्राउंड है और ये हमारा एक तरफ का हो गया। इस तरीके से हम आसानी से कनेक्शन कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं जो है स्पीकर का कनेक्शन। आप लोग देख सकते हैं इधर से ये हमारा स्पीकर है, हमारा एक इन हो गया और ये हो गया, ये स्पीकर है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से स्पीकर का पॉइंट। दोस्तों अब हम दूसरे पिन पे करेंगे स्पीकर का कनेक्शन। देखिए दोस्तों ये भी हम स्पीकर का कनेक्शन कर दिए हैं और स्पीकर हम इस तरीके से ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे इस तरीके से अलग अलग। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 वोल्ट का कनेक्शन निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा ये 5 वोल्ट है, ये हमारा 5 वोल्ट हो गया जो यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे और ये हमारा लेफ्ट राइट का कनेक्शन है और ये ग्राउंड है हमारा। दोस्तों देखिए दोस्तों ग्राउंड मैंने लगा दिया, आरएल लेफ्ट राइट का कनेक्शन हमारा यहाँ पे होगा। देखिए दोस्तों कनेक्शन हो गया और अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें 12 वोल्ट का कंडेंसर, ये देखिए दोस्तों कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे हम 12 वोल्ट देंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों 12 वोल्ट हमारा ये जो हमारा सप्लाई है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट और ये हमारा ग्राउंड है। देखिए दोस्तों 12 वोल्ट का हम कनेक्शन कर दिए। अब दोस्तों दो स्पीकर लगाते हैं। देखिए दोस्तों अब स्पीकर पे कनेक्शन करेंगे, प्लस वाला प्लस पे करेंगे। देखिए दोस्तों और इस तरीके से और एक दूसरा स्पीकर लगाएंगे। देखिए दोस्तों दोस्तों वीडियो पूरा देखना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा वीडियो देखने में, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से इतने आसानी से आप लोग को बता रहा हूँ। अब दोस्तों हम कार्ड का कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा आरएल लेफ्ट राइट का कनेक्शन ये हो गया और ये 5 वोल्ट हो गया। अब दोस्तों इसको हम ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें 12 वोल्ट देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा कार्ड ऑन हो गया जो कि आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और अब हम इसको हम वॉल्यूम कम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें भी वॉल्यूम है और यहाँ भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। तो दोस्तों इस तरीके से हम वॉल्यूम कम कर लेते हैं दोस्तों। और अब हम इसमें एक मेमोरी लगाते हैं। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों अब आवाज़ बढ़ाते हैं। इसमें भी वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम है, यहाँ से हम आवाज़ बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा ट्रेबल है, देखिए ये हमारा ट्रेबल है और ये हमारा बास है। दोस्तों ये हमारा यहाँ से ये हमारा मेन वॉल्यूम है। इसमें आप लोग बड़ा स्पीकर लगा सकते हो, 6 इंची 8 इंची लगा सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास 4 इंची है वो भी लगा सकते हो। और दोस्तों मेरे पास 4 इंची था इसलिए मैं 4 इंची में लगा के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप लोग आसानी से अपने घर पर बना सकते हो। और दोस्तों इसको आप किसी बॉडी में फिट कर दो और उसके बाद आसानी से
चलेगा दोस्तों, और ब्लूटूथ कनेक्ट करके आसानी से चला सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने घर पर जो है 4440 डबल आईसी आप लोग इस तरीके से बना सकते हो और बनाकर अपने घर पे चला सकते हो। इसमें 8 इंची स्पीकर भी लगा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।